हाँ जी हाँ बाबा, स्वदेशी विदेशी के बारे में तो हिंदी जो जानते हैं उसको तो स्वदेशी बोलते, विदेश में रहते हुए भी हिंदी जो जानते हैं पहचानते वो लोगों को स्वदेशी बोलते हैं। तो लोक इंद्र पूरा तो हिंदी, सिर्फ भाषा की बात नहीं है, ऐसे तो बहुत से देसी लोग हैं जो विदेश में पहुंच गए हैं, बचपन से ही पहुंच गए हैं, जन्म लिया हिंदुस्तान में और बचपन से विदेश में रहते हैं, हिंदी भाषा भूल गए, तो उनको विदेशी कहेंगे या स्वदेशी कहेंगे? हैं? विदेशी कहेंगे, सिर्फ भाषा के आधार पर। भाषा भूल गए तो वो विदेशी हो गए या उनका खून भी बदल गया, क्या कहेंगे? तो भी तो स्वदेशी है ना, सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं। कई एक बातें हैं जिन्हें मिलाकर कहा जाता है विदेशी। ये दुनिया में आज स्टेटिज में फैली हुई है, खास भारतवर्ष में राज्यवाद। हम किस राज्य के हैं? हम कर्नाटक कन्नड़ हैं, हम केरल के हैं, हम तमिलनाडु के हैं, हम आंध्र प्रदेश के हैं। ये राज्यवाद को लेकर के लड़ाई चल रही है या नहीं चल रही है? ये भी देहबान है या नहीं है? है, ये भी देहबान है। अगर हम समझे हम आत्मा हैं तो स्टेटिज्म बुद्धि में रहेगा, राज्यवाद का नाम निशान खत्म हो जाएगा। बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टेटिज्म के आधार पर विदेशी कहा जाता है। और ये भी पक्का समझना है, दक्षिण भारत में जो रहने वाले हैं उनकी आत्मा विदेशी है या शरीर विदेशी है? शरीर विदेशी है। अगर ज्ञान में चलते हुए भी कोई ये समझे कि मैं विदेशी हूं, दक्षिण भारत का हूं, तो वो देवान में बोलता है या 84 जन्मों को याद करके बोलता है? देवान में बोलता है। आत्मा ने तो पता नहीं नॉर्थ इंडिया में कितने जन्म लिए होंगे, अगर जन्म न लिए होते तो नॉर्थ इंडिया में प्रत्यक्ष होने वाले बाप का ये ज्ञान कैसे मिल जाता? मिल जाता क्या? नहीं मिलता। अरे 21 जन्म तो पक्के हमने नॉर्थ इंडिया में लिए हैं या साउथ इंडिया में लिए? क्यों साउथ इंडिया में क्यों नहीं लिए? जो 21 जन्म है वो तो उत्तर भारत में ही होते हैं, साउथ इंडिया में पृथ्वी होती ही नहीं है। और मगध देश बोलते हैं बाबा, मगध देश यूपी है या कंबिल है? पुराने जमाने में पटना से लेकर के और नॉर्थ इंडिया तक सारा ही मगध देश, जहां तक गंगा यमुना फैली हुई थी, वो सारा ही मगध देश कहा जाता था। पहले नदियों के स्थान भी दूसरे दूसरे बहते थे, बाद में बहते बहते नदियां अपना स्थान बदलती रहती है या नहीं बदलती है? बदल देती है। और मगध देश नाम पड़ा है मगरमच्छ के आधार पर। कौन सी नदियां हैं जिनमें मगरमच्छ ज्यादा पाए जाते हैं? है गंगा और यमुना। गंगा की तो भक्ति मार्ग में सवारी ही कौन दिखाते हैं? मगरमच्छ को। ये मगरमच्छों का देश है। मगरमच्छ क्या करता है?
मगरमच्छ से जो मगरमच्छ है वो छोटी छोटी मछलियों को सांप को खा जाता है। इसको कहते हैं मगरमच्छ, वो छोटी छोटी मगरमच्छ जो मछलियों को खाता है उसके ऊपर गंगा सवारी करती है। कौन कंट्रोल करती है? है गंगा कंट्रोल कर देती है। और अनसुईया का बच्चा, बाबा बोलते हैं अनसुईया का बच्चा दुर्वासा शास्त्र में बोलते हैं है? तो ज्ञान के आधार पर वो कैसे है, अनसुईया का बच्चा दुर्वासा कैसे बने? अनसुईया अव्वल नंबर का परमात्मा बाप का बच्चा है या द्वयम नंबर का है? है अव्वल नंबर का बच्चा है अनसुईया। परमपिता परमात्मा बाप का अव्वल नंबर का अष्ट देव है या द्वयम नंबर का है? है द्वयम नंबर का है। जो दो नंबर का है दुनिया में भी सनातन धर्म अव्वल नंबर है, फिर द्वयम नंबर का धर्म कौन सा है? है इस्लाम धर्म द्वयम नंबर का है। लेकिन पैदाइश किससे होती है? इस्लामियों की पैदाइश किससे हुई? कौन से धर्म वालों से हुई? सनातन धर्म वालों से पैदाइश हुई या नहीं हुई? है हो गई। तो नीची कोटि में जावेंगे या जिसने पैदा किया है उनसे ऊंचे चले जावेंगे? नीचे कोटि में है, नीचे कोटि विकृति में जावेंगे या विकारों से परे चले जावेंगे? विकृति में है, विकृति में जाते। तो पहला नंबर जो है वो सूर्य है, भगवान का पार्ट है, उससे ज्यादा तो ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। बाद में जो नंबर आते हैं वो कौन कौन धर्मों के पूर्वज हैं? सूर्यवंशियों के पूर्वज हैं या और धर्मों के भी पूर्वज हैं? है आठ हैं अष्टदेव, तो पूर्वज हैं या नहीं है? है पूर्वज है। अनुसुईया या काशी नगरी एक कौन से धर्म का पूर्वज हुआ? है अरे बोलो ना जल्दी, है चंद्रवंश का पूर्वज। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में कौन कौन से धर्म पले हैं? है सूर्यवंशी चंद्रमा की गोद में, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि सब धर्म पले हैं। और चंद्रवंश का पूर्वज है कौन? है अनसुईया या काशी नगरी? तो वो काशी नगरी पूर्वज कही जाती है। तो सिर्फ चंद्रवंशियों की ही पूर्वज है या पोतों नाती पोतों की भी पूर्वज है? है नातों की पोतों की भी पूर्वज हो गई। और संघ का रंग लगेगा कि नहीं? रंग लगेगा। है लगेगा जगदम्बा है, सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है या इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन जो भी नीचे थे नीचे धर्म है उनकी भी अम्बा है? है सभी धर्मों की अम्बा है। जगत में जितने धर्म है
सबकी अम्बा है। एक ही दिल्ली नगरी ऐसी है जिसकी गोद में सब धर्मों ने मन चाहा रास रचा है, मन चाहा आनंद किया है। एक नादर साहा आया, क्या नाम क्या दिया? नादर शाह, जिसको विश्व के बादशाह का भी कोई डर नहीं था। इसने सारे चांदनी चौक में दिल्ली, पुरानी दिल्ली में खून की नदियां बहा दी, कोई कुछ नहीं कर सका। अब खून की नदियां बहा करके चला गया तो दिल्ली सारे विश्व को बदलने वाली है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। इतनी जिम्मेवारी है दिल्ली, दिल्ली रूपी जगदम्बा के ऊपर। आप बताओ जगदम्बा कहां से निकलती है? 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 पंजाबी खून है, लेकिन पैदाइश कहाँ की है? उसके बाप का खून तो है पंजाबी, लेकिन पैदाइश दिल्ली की है। दिल्ली सारी दुनिया की अम्मा है। दिल्ली से पुरानी दुनिया की कोई भी राजधानी नहीं। दिल्ली ही परिस्थान बनती है और दिल्ली ही कब्रिस्तान बनती है। पहले दिल्ली है, दिल्ली सबकी माता है। क्या है? सबकी माता है या नहीं है? है। ऐसे ही जगदम्बा जैसे सबकी माता है, परंतु जगदम्बा रुद्रमाला के हिसाब से कौन से धर्म का बाप है? है? नहीं है, चंद्रवंश का बाप है, चंद्रवंश का बीज है। रुद्रमाला दो मण के ऊपर है, एक जगत पिता एक जगत माता, दोनों मण के बाप के नजदीक हैं, समान रूप से नजदीक हैं, या कोई दूर और कोई नजदीक है? है, समान रूप से नजदीक है, समीप हैं। एक है सूर्यवंश का बीज और दूसरा है चंद्रवंश का बीज। तो चंद्रवंश का बीज है, सूर्यवंशी तो नहीं है? है, सूर्यवंशी है या नहीं है? है, सूर्यवंशी है? नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों? है, अरे सूर्य को फॉलो करेगा तो सूर्यवंशी होगा, या चंद्रमा को फॉलो करेगा तो सूर्यवंशी होगा? नहीं, सूर्य को फॉलो करेगा। इब्राहिम को फॉलो करेगा तो सूर्यवंशी होगा? नहीं, नहीं। तो जगदम्बा किसको फॉलो करती है? गीता का भगवान किसको मानती है? कृष्ण को ही मानती है। ज्ञान सूर्य को भगवान के रूप में साकार में नहीं समझती है। न समझने के कारण उल्टी चाल लेफ्टिस्ट में चलेगी या राइटिस्ट में चलेगी? है, लेफ्टिस्ट में चाल चलती है। और
अभी 2016 में तुम बच्चों को 40 साल लगेगा जो बोले, तो 2016-17 में तुम बच्चों को 40 साल नहीं बोला, बात को पलटो मत। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, सिर्फ 40 साल वाले बच्चे नहीं है तुम में, जो 50 साल जिनको संपूर्ण बनने में लगेंगे वो भी उसमें शामिल है। ये 50 में प्रजा वर्ग भी तो आ जाएगी, 4.5 लाख आ जाएंगे बाबा। पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे जो सामने बैठते हैं उनसे बात करते हैं, या जो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं प्रजा वर्ग में चले जाते हैं उनसे बात करते हैं? तो पढ़ाई पढ़ने वाले जो सामने बैठते हैं वो प्रजा वर्ग में आने वाले हैं? आप भाग जाएं तो बात दूसरी है। या साल में 2-4 बार आ जाएं तो बात दूसरी है। मैंने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन जो बाप के सन्मुख बैठ पढ़ते हैं वो प्रजा वर्ग के बच्चे हैं, है? राजा बच्चे हैं, बाप के बच्चे। बाप के बच्चे राजा बच्चे बनेंगे या चंडाल बनेंगे? राजा चंडाल का भी फिर भी पद होता है, प्रजा का तो कोई पद नहीं होता। चंडाल राज परिवार में भी चंडाल होता है और प्रजा का भी चंडाल होता है। तो जो प्रजा का चंडाल होता है उसकी पदवी कहेंगे है? नहीं, राज परिवार में जो चंडाल बनता है उसकी फिर भी पदवी है। बाबा बात अपनी पूरी तो करो, समझ में आ गया? समझ में। एक बाबा बोला 108 ही राजा बनने वाला है ना, बाकी सब राजा परिवार में आने वाला है। 108 ही राजा बनने वाला, हाँ, बाकी सब राजा परिवार में आने वाला है ना, राज परिवार में आएंगे। हाँ जी, तो ऐसे कब 108 ही बाबा के सन्मुख आते हैं? 108 ही बाबा के सन्मुख आते हैं। 108 ही बाबा के सन्मुख आते हैं। अच्छा, राजा की गद्दी पे बैठता है, राजा का जो बच्चा युवराज घोषित कर दिया जाता है उसकी बात पब्लिक नहीं मानती है। पब्लिक के ऊपर उस युवराज की राजाई चलती है या नहीं चलती है? नहीं चलती है, चलती है। तो जितने भी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे सतयुग और त्रेता में उनकी प्रजा के ऊपर राजाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। तो वो राजा ही नहीं हुई। पहले बच्चा की राजा है पिता का, पहले राजा का पहले बच्चा की युवराजा बनते थे। कोई राजा ऐसे भी होते हैं जैसे राजा उग्रसेन, शास्त्र में उग्रसेन कंस के बाप का नाम आया, कंस की बात ज्यादा मानते थे या राजा की बात ज्यादा मानते थे? है, कंस ने सारों को कंट्रोल कर लिया और राजा और कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, पकड़ के जेल में डाल दिया। और सुनो, ये तो शास्त्रों की बात है, कहते हैं ये तो कपोल करते थे, गाता है औरंगजेब, शाहजहां राजा था, कैसा राजा था? शाहजहां की राजा की बात मानी या औरंगजेब की बात मानी गई? औरंगजेब ने सारी राजाई को कंट्रोल कर लिया और शाहजहां को उठा करके जेल में डाल दिया। तो राजाई किसकी हुई? औरंगजेब की। औरंगजेब की राजाई हुई। तो राजाई ऐसे नहीं है कि राजा की ही राजाई हमेशा होती है, जो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं उनकी भी बात प्रजा मानती है कि ना कर देती है? है, मानती है। प्रजा की तो बात ही छोड़ो, जो राजा के अधिकारी होते हैं
उनको भी बात माननी पड़ती है प्रिंस प्रिंसेस। और बाबा भक्ति मार्ग में एक चित्र है, उसमें शंकर बेबी जैसे सोते हैं। शंकर जी बेबी बनकर सोते हैं। भक्ति मार्ग में सोता है। हाँ, भक्ति मार्ग में एक चित्र है। रूप में सोता है। हाँ, वो पूछ रहे हैं उसका अर्थ। हाँ, उसका अर्थ इस समय का यादगार। बेबी के रूप में जो उल्टा पड़ा हुआ सो रहा है शंकर, बच्चे के रूप में ये चित्र पहले कभी थे या अभी निकले? अभी निकले। सन 76 के बाद निकले या सन 76 से पहले के हैं? 77 के बाद है। 77 के बाद निकले। अभी निकले, इसका मतलब क्या हुआ कि संगम युग में प्रैक्टिकल में शंकर के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसके लिए मुरली में बोला है कि शंकर की तीसरी आंख बंद ही बनी रहे, सोता ही रहे वो अच्छा, या जग जाएगा वो अच्छा। तीसरी आंख खुली तो क्या हुआ? मुरली में बाबा बोलते हैं बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो आंख बंद रहे या खुल जाए? अरे सोता रहे वो अच्छा, या त्रिशूल लेके दौड़ पड़े क्या अच्छा? अरे आपको कौन सा अच्छा लगता है बोलो? नहीं बोलेंगे? आपको कौन सा शंकर अच्छा लगता है? भूली भूली। अरे अज्ञान नींद में सोया हुआ शंकर अच्छा लगता है? नहीं। या जागृत अवस्था में अच्छा लगता है? जागृत अवस्था में अच्छा लगता है। माने तीसरी आंख खोल दे, आपके परिवार की पहले खोल दे आपके परिवार के साथ है। एक अम्मा मर गई। हाथ उठाओ। सेम टाइम। हाँ, अम्मा मर गई और एक तरफ अम्मा मर गई और दूसरी तरफ बाबा ने विनिबद्ध बन में आ गया, क्या करें? एक तरफ माँ मर गई है, एक तरफ माँ मर गई है, दूसरी तरफ बाबा विनिबद्ध आए हैं, क्या करना है? क्या बोला? अम्मा मर गई, विनिबद्ध बाबा या मामा, माने लौकिक माँ ने शरीर छोड़ दिया। छोड़ दिया और दूसरी तरफ बाबा मिनी मधुबन में आ गए तो क्या करें? बाबा ने मुरली में क्या बताया? अम्मा मरे। ये थोड़े ही कहा कि लौकिक में अम्मा मरे या अलौकिक में अम्मा मरे, ये कहा नहीं। कोई भी अम्मा मरे क्या करो? सब ब्राह्मणों को हलवा खिलाएंगे आप? खिलाएंगे कि नहीं? खिलाना पड़ता है, खिलाना चाहिए कि नहीं? खिलाना चाहिए। चलो आज नहीं, किसी दिन हो जाएगा। चलो बाबा, जो बाप से सच्चा प्रेम करते हैं उनकी पहचान क्या होगी, कैसे होगी? जो बाप से सच्चा प्रेम करते हैं उनका पहचान उनकी पहचान क्या होगी? बाप से प्यार माना बाप के सारे परिवार से प्यार। अगर बाप से प्यार सच्चा नहीं है तो बाप के परिवार से भी सच्चा प्यार नहीं होगा। किसी से प्यार करेंगे, किसी को दुत्कार करेंगे। बाप कौन सा, रूहानी बाप या जिस्मानी बाप? कौन से बाप से सच्चा प्यार? रूहानी बाप, जो जिस्म में तो आया हुआ है लेकिन जिस्मानी बाप वाली आत्मा हमको याद नहीं आती। कौन सी आत्मा याद आती? जो रूहों का बाप है।
प्रजापिता रूहों का बाप नहीं है, उसकी बात नहीं है। जो रूहों का बाप है शिव है, उसके सब रूह हैं बाप है। चीटी भी रूह है कि नहीं है, है? मुसलमान लोग कहते हैं कि जानवर कीड़े मकोड़े इनमें रूह नहीं होती है, काट कर क्या इसलिए काटते काटो काट पीट के अच्छी तरह खाओ, क्यों उनमें रूह नहीं है। और हम क्या मानते हैं, हैं? कीड़े हों मकोड़े हों मनुष्य हों राक्षस हों जानवर हों कोई भी हों सब में आत्मा है, सबका रूहानी बाप है। लेकिन मनुष्यों का बाप, रूहानी बाप मनुष्यों का बाप नहीं है। उसका बाप कौन है मनुष्यों का, प्रजापिता मनुष्यों का बाप। और बाबा गीता में कहते गए शिगंडी को आगे रखकर, हाथ उठाना, हाँ शिगंडी को आगे रखकर बाण मारो अर्जुन, ये शिगंडी कौन के? अर्जुन ने थोड़े ही बाण मारा, शिगंडी को अच्छा भीष्म पितामह, हाँ भीष्म पितामह को गिराने के लिए शिगंडी को आगे रखकर बाण मारो अर्जुन, ऐसा कहते गए। जो शिखा, शिगंडी कौन के? शिखा चोटी अंडी, चोटी का ब्राह्मण है। जो चोटी का बीज है, बीज माने अंडा, चोटी का बीज है। कौन है ब्राह्मण चोटी है? या पिता ब्राह्मण चोटी है, लेकिन वो ब्राह्मण चोटी किससे पैदा होता है? अरे ब्राह्मण की पैदाइश किससे? ब्रह्मा। कौन है ब्रह्मा जिससे पैदा हुआ? कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा शिखा अंडी है। क्या? जो शिखंडी है उसके बारे में शास्त्रों में गायन है कि 6 महीने पुरुष रहता था और 6 महीने स्त्री बन जाता था। स्त्री अंडर दी कंट्रोल रहती है या पुरुष अंडर दी कंट्रोल रहता है? स्त्री अंडर दी कंट्रोल रहती है पुरुष के, और पुरुष अंडर दी कंट्रोल नहीं होता है। अगर कहीं पुरुष अंडर दी कंट्रोल होता है तो दुनिया कहती है जोरू का गुलाम है, ये मर्दानगी नहीं है इसमें। अगर मर्द होता तो औरत को कंट्रोल करता, तो मर्द उसे कहा जाता है जो औरत को कंट्रोल में रखे। स्त्री उसे कहा जाता है जो लक्ष्मी की तरह कंट्रोल हो करके रहे। लक्ष्मी माने वैष्णवी देवी, त्रिमूर्ति में तीनों शेर हैं वास्तव में, या एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है? बाबा ने क्या बताया? एक चर, दो चर। त्रिमूर्ति में वास्तव में तीन शेर नहीं है, एक शेर है, दूसरा घोड़ा है, तीसरा क्यों कहा बकरी है? कंट्रोल में रहने वाली है, जो कान से सुनेगी उसे डायरेक्शन पर चलेगी। अगर स्त्री पति के डायरेक्शन पर नहीं चलती है तो स्त्री स्त्री नहीं है। ऐसी स्त्रियों के बीच दुनिया में जितनी भी माताएं कन्याएं हैं उनके बीच में कौन सा ऐसा पार्ट है
जो सारी दुनिया की स्त्रियों को, कन्याओं को, माताओं को, पुरुषों को, कुमारों को कंट्रोल में करेगा, खुद कंट्रोल में नहीं रहेगा, विश्व पिता के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। कौन है? जगदम्बा। तो शिखंडी है पुरुष है या स्त्री है? है क्या है? अरे क्या है? नहीं, कंट्रोल में नहीं रहेगा तो पुरुष है, और जब तक कंट्रोल में रहा विश्व पिता के तब तक क्या है? स्त्री। तो कभी स्त्री और कभी पुरुष, तो कौन सा पार्ट हुआ? शिखंडी का पार्ट। किसका बच्चा था? अरे अरे टीवी में अभी देखते रहते हैं, ध्रुव पद, जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है उसका बच्चा था। बाबा भक्त लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान उनमें प्रवेश करता है ना, भगवान किन में प्रवेश करता है वास्तव में? कहते तो है शंकर अवतार को भी भगवान, घोड़े के अवतार को भी भगवान कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं? मछली के अवतार को भी भगवान कह देते हैं, मत्स्य अवतार। तो क्या भगवान होते हैं? है, वो तो जानवरों के अवतार हैं, नरसिंह अवतार, वो शेर का अवतार जानवर है या मनुष्य है? है, हाँ। और सोचने विचारने की शक्ति किस में होती है? मनुष्य में होती है। तो ज्ञान भगवान आकर के ज्ञान देने का काम करता है या चीड़ा फाड़ी मारपीट का काम करता है? ज्ञान देने का काम भगवान का, गीता का ज्ञान भगवान ने आकर के दिया, वही मुख्य काम है। तो दो ही अवतार मनुष्य के गाये हुए हैं, कौन से? राम और कृष्ण। इसलिए दुनिया भारत में खास राम कृष्ण को भगवान मानते हैं, है नहीं भगवान? लोगों को तो पता ही नहीं है, भगवान तो सदैव निराकार है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो तो इस सृष्टि पर रहता ही नहीं है। कहाँ रहता है वो? तो आत्मलोक का रहने वाला है। बाबा मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं। दुनिया में इस्लाम धर्म के लोग जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, या बौद्धी धर्म के लोग, या क्रिश्चियन धर्म के लोग, या मुस्लिम धर्म के लोग, ये दूसरे दूसरे धर्मों के लोग जो हैं, जो 33 करोड़ की लिस्ट में नहीं आते हैं, वो दूसरों के धर्म में कहां कहां फिरते रहते हैं, काफिर बनते हैं, काफिर कहां कहां फिरते रहते हैं, या हिंदू धर्म के लोग कहां कहां फिरते रहते हैं, कैसे कन्वर्ट होते रहते हैं? हिंदू धर्म जो द्वापर युग से देवता धर्म के लोग हिंदू बने, कभी इस्लाम धर्म में चले गए, कभी बौद्ध धर्म में चले गए, कभी क्रिश्चियन धर्म में चले गए, कभी मुस्लिम धर्म में चले गए, कभी सिख धर्म में चले गए, कहां कहां फिरते रहते हैं। तो मुसलमान झूठ कहते हैं या सच्चा कहते हैं?
सच्ची बात कहते हैं, हिंदुओं को बुरा तो नहीं लगना चाहिए। वो इसलिए भी कहते हैं ना बाबा, कभी राम को पूजते हैं कभी कृष्ण को, वही वही कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं। मुसलमान तो काबा में ही माथा टिकाएंगे। स्वामी, ये चित्र में वृक्ष के जैसे चित्र होगा, उसमें वृक्ष का जैसे चित्र है, वृक्ष का कल्प वृक्ष का, कल्प वृक्ष का चित्र में, कल्प वृक्ष, हाँ, उसमें बीज भी दिखाते हैं, जड़ भी दिखाते हैं। ये जड़ तो आधारमूर्त हो गए, बीज है जैसे अष्टदेव हो गए, ये नवरत्न कहीं दिखाया नहीं गया है चित्र में? बीजों को ही कहाँ दिखाया गया है? ऊपर तो है बीज रूप में शिव, तो एक ही बीज है, आठ कहाँ है? आठ नहीं है, जड़ तो आठ दिखता है, जड़ आठ है, जड़ आठ दिखाई पड़ती हैं। देवी देवता सनातन धर्म की जड़ लोप हो जाती है तो दिखाई कहाँ से पड़ेगी? देवी देवता सनातन धर्म के भी तो बीज है, कौन है? देवी देवता सनातन धर्म के बीज कौन है? वो बीज प्रवृत्ति मार्ग का बीज है या निवृत्ति मार्ग का सिंगल बीज है? प्रवृत्ति मार्ग, जैसे दुनिया में बीज होते हैं बाजरा मक्का, ये प्रवृत्ति मार्ग का बीज है या निवृत्ति मार्ग का बीज है? मक्का कहेंगे निवृत्ति मार्ग का बीज है, और चना चना प्रवृत्ति मार्ग का। ऐसे ही जो प्रवृत्ति मार्ग है बेहद में देवी देवता सनातन धर्म, उनके बीज कौन है? जल्दी बोलो, ये निवृत्ति मार्ग का बीज है, परमात्मा और परमपिता दोनों मिलके हुए, परमपिता साकार बीज है सृष्टि का, परमपिता शिव वो सृष्टि का साकार बीज है, परमात्मा तो हुआ ना एक बीज। उनको यही पता नहीं है कि परमात्मा कौन है और परमपिता कौन है? परमपिता शिव बाप वो बीज है, नहीं परमात्मा तो बीज हुआ ना, तो एक ही हुआ है या दो हुए? एक हुआ, फिर दूसरा तुम जगदम्ब, हाँ जगत पिता और जगदम्बा, रुद्रमाला सारी बीजों की है या जड़ों की है? बीजों की, बीजों की है। उन बीजों में प्रवृत्ति मार्ग के ऊपर के जो दो बीज हैं वो ही प्रवृत्ति मार्ग के बनते हैं। कौन कौन से बीज? जगत पिता और जगदम्बा। बाबा एक वार्तालाप में बोला सन्यासियों को आम लेकर मारना चाहिए। हाँ आम एक करके मारते हैं। आम क्यों करते हैं? ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों? सूर्य ज्ञान में सबसे ज्यादा ग्लानी किसकी की गई है? भगवान की बात छोड़ दो, वो तो भक्ति मार्ग में ग्लानी की गई, लेकिन ज्ञान में ज्ञान की बातों को लेकर के सबसे जास्ती बाण किसको मारे गए हैं? अरे भक्ति मार्ग में भी दिखाया है, है? इसकी पिटाई ज्यादा की गई है, है? अरे अरे बाप, हाँ सन्यासियों की सबसे ज्यादा पिटाई किसकी की गई है, है? अरे अरे सन्यासियों की बहुत ज्यादा पिटाई की है कि नहीं ज्ञान में? मुरली में बोला रावण कौन कहेंगे ये गुरु लोग, बोला कि नहीं? बोला। अरे बोला कि नहीं? तो सबसे ज्यादा पिटाई हुई सन्यासियों की और धर्म वालों के बीच में, लेकिन वो पिटाई मीठे मीठे ज्ञान बाणों की है या बबूल के डंडों की है? कौन सी पिटाई है? है मीठे मीठे ज्ञान बाणों की पिटाई है। तो मीठे में मीठा फल कौन सा होता है? आम होता है, और वो आम फलों का राजा राजा कहा जाता है। तो बताओ
परमपिता परमात्मा शिव भगवान ने आकर के जो ज्ञान की ज्ञान बाणों की पिटाई की है वो किसके द्वारा की है? निमित्त कौन बनाया? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जो है, जितने भी आम रूपी राजा हैं, आम के रूप में जितने भी राजा बनने वाले फलों के राजा हैं, उन राजाओं में आम के राजा भी हैं और दूसरे फलों के हैं कि नहीं? दूसरे भी होगा। आम तो सब फलों का राजा होता है। तो बताओ ज्ञान मार्ग में सब फलों का राजा कौन है और सब फूलों की रानी कौन है? कौन है? अरे है सब फलों का राजा आम और सब फूलों की रानी गुलाब। सब फूलों का राजा, अरे आम होगा तो फूल बनेगा कि नहीं? तो सब फूलों का राजा कौन? कमल। कमल कब रहता है? कीचड़ के बीच में। और बुद्धि ऊपर, तो कमल का फूल हो गया। कमल का फूल, उसका परिवार सबसे बड़ा परिवार होता है। तो जैसे फूल सबसे बड़ा परिवार है, फूलों में वो राजा है, ऐसे ही आम भी राजा, सब फलों का राजा है। कौन है? अरे सब फलों का राजा कौन है? राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा को निमित्त बनाया जाता है एक के मारने के। वो ऐसे ऐसे ज्ञान बाण मारता है जो भीष्म पितामह को छलनी कर देते हैं। बाबा 36वीं बाबा आते समय की है, 36वीं बाबा आते समय की 33 करोड़ देवताओं को बीजा रोपण दिया या 9 लाख की बीजा रोपण दिया? 9 लाख। 36वीं बाबा आते समय 33 करोड़ देवताओं को बीजा रोपण किया या सिर्फ 9 लाखों की बीजा रोपण किया? एक बीज से ढेर बीज पैदा होते हैं कि अनेकों बीजों से पैदा होते हैं? एक बीज से अनेकों पैदा हो जाते हैं। तो पहले एक बीज होगा या पहले ढेर के ढेर बीज होंगे? एक बीज। एक बीज है। नाम का कोई फल होता है? पेरू। पेरू अमरूद। अमरूद 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 पेरुम्बासुर। पेरुम्बासुर नाम है। यहाँ नाम क्या है? पेरुम्बावूर। पेरुम्बावूर ऊर माने हृदय। पूर्व माने हृदय। पेरू, पेरू की तरह कोमल हृदय। अमरूद जब पक जाता है तो कैसा हो जाता है? खाने में कैसा लगता है? बहुत सॉफ्ट लगता है। तो पेरुम्बावूर माने उर कैसा है? पेरू अमरूद की तरह और उसकी अम्मा की तरह है।
अमरूद के बाप की तरह नहीं है। अमरूद का बाप कौन होता है? अरे कितनी बार बताया है बीज बाप को कहा जाता है, तो अमरूद के अंदर जो बीज होता है ना वो ही बाप है। अमरूद का बाप कौन? बीज। तो बाप की बात नहीं है, पेरू के बाप की बात नहीं है, इसकी बात है, है? अमरूद की अम्मा की बात है। तो ज्यादा सॉफ्ट कौन, बाप है अम्मा है? हाँ, जो अमरूद की अम्मा है उसका हृदय है, उसके नाम पर पड़ा है पेरम्बाऊ। क्या शंकर जी तो कोई के ऊपर व्यथा आती है, परेशानी आती है तो शंकर जी तो नहीं, मस्त रहते हैं। और दया ज्यादा किसको आता है? किसको दया आती थी? बीज को दया आती थी या धरणी को दया आती थी? है अम्मा को ज्यादा दया आती थी। तो पेरम्बाऊर का अर्थ क्या हुआ? है कोमल हृदय वाली, कोमल हृदय वालों की अम्मा माने पार्वती अम्मा। और हाँ, नष्ट देवों में यमुना आती है या नहीं आती है? अच्छा पहले ये बताओ कि नष्ट देवों में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा सरस्वती है, ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा नष्ट देवों में आते हैं, है? अष्ट देवों में कौन आते हैं? है? जो जो आस्तिक धर्म है, नास्तिकता नहीं है जिनमें, किसी न किसी को सरपरस्त मानते हैं, वो आस्तिक धर्म के जो है जो पूर्वज हैं वो बीज है। उनमें भी एक ग्रुप ऐसा है जो विनाशकारी है, उन अष्टदेवों के मुकाबले बहुत विनाशकारी है। बारह है ना, कितनी राशियां कितनी है दुनिया में? बारह राशियां, सारी दुनिया के मनुष्यों की बारह राशियों से गिनती की जाती है। तो बारह राशियों में आठ तो अष्टदेव, बाकी चार नष्ट देव है। वो जो चार नष्ट देव हैं उनमें कौन कौन आते हैं? सनत है, सनत सनातन, सनत सनातन, सनंदन, सनत सनत कुमार तो सनातन धर्म का बीज हो गया। जो सबसे छोटा है बाद वाला नंबर है, और सनक सनातन सनंदन ये इस्लाम बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। ये गिरती कला के बीज हैं या उठती कला के बीज हैं? गिरती कला के बीज। बारह में से ये चार जब गिरती कला का त्रेता युग होगा तो ये गिराने के निमित्त बनेंगे। सबसे ज्यादा गिराने के निमित्त कौन बनेगा? है इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और बौद्ध धर्म। ये तो नष्टदेव हो गए। जगदम्बा इनमें आती है क्या? है नहीं आती, नहीं आती है।
जो जगदम्बा है वो जगत की माताओं में सर्वोपरि है। विनाश के कारण पुरुष बनते हैं या स्त्री बनती है, है? गर्भगृह की स्थापना में सबसे आगे हाथ किसका होता है? गर्भगृह जमाने में सबसे आगे पुरुष होता है कि स्त्री होती है? स्त्री होती है। स्त्री होती है। तो स्त्री है स्थापना करने वाली और पुरुष है विनाशकारी। जगदम्बा को नष्ट देव नहीं कह सकते, अगर कहें भी तो पुरानी दुनिया का नष्ट देव है, असुर संहारिणी है या देव संहारिणी है? असुर। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? नष्ट देव कहे है नहीं कह सकते। नई दुनिया का विनाश थोड़ा ही करती है, किसका विनाश करती है? आसुरी पुरानी दुनिया का विनाश करती है। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जन दस द्वारों का देहरा तामे ज्योति पहचान इसका अर्थ क्या है? है शरीर के अंदर मन है या नहीं है? है मन है। तो मन देह में कौन है? ब्रह्मा है मन। उसका नाम मथुरा क्यों रखा है? हाँ, ऐसे ऐसे करके आटा माढ़ा जाता है ना, तो उसको कहते हैं आटे को मथा। और उर जांग को भी कहते हैं जांग। जांग को मथना अर्थात ये असली शब्द है और ये कृष्ण जन्म से लागू कर दिए है भक्ति मार्ग। कृष्ण ने द्वारिका में जन्म नहीं लिया, कहाँ जन्म लिया? मथुरा में जन्म लिया। तो जहाँ कृष्ण का जन्म होता है उस मथुरा में राज्य में मथुरा राज्य में उसने गोपियों के जंगाओं को मथने का काम किया है, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? मथुरा। कौन मथुरा? मन मथुरा। और दिल द्वारिका कृष्ण ने जब कंस और जरासंध जैसे राक्षसों को हरा दिया उसके बाद वो द्वारिका में गए या पहले गए? हैं? बाद में गए। जो कंस जैसा पार्ट बजाने वाले हैं कंस ने क्या पाठ बजाया जो भक्तों को बहुत याद आता है? गणित पाठ बजाया। क्या पाठ बजाया?
छोटे छोटे बच्चों के साथ मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारा तो ठीक, छोटे बच्चों से लोगों को फिर भी दहशत हो सकती है कि ये बच्चा बड़ा बन करके हमारी हत्या कर देगा। लेकिन किसको मारा? बच्ची को भी मारा, मारने का प्रयास पूरा किया। कौन से मारने की बात है, जान से मारने की बात है या ज्ञान से मारने की बात है? है? कैसे मारा जाता है बच्चियों को? ज्ञान से कैसे मारा जाता है बच्ची को? जो कन्या निर्विकारी है उस निर्विकारी कन्या को विकारी बना दिया। विकारी बनाने से कन्या का ये विशेष स्वभाव होता है कि उसके दिल पर जिसकी पहले छाप पड़ती है विकार का सुख देने की, बस जिंदगी भर उसको याद करता है, वो भूलता नहीं है। तो बोला कंस ने कन्या का कोष किया, मुरली में बोला, इसलिए कंस को इस नृशंस हत्या का बहुत बड़ा दंड का भागी माना जाता है। वो मथुरा नगरी कृष्ण ने छोड़ दी, कहां बसे जाके? द्वारिका। दो अरिका कहां थी? द्वारिका समुंदर के, सागर के अंदर द्वारिका थी, सागर में निवास कर गए। वहां जाकर के राजा की माना, जिसे दिलवाड़ा कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? एक एक की दिल लेने वाला। तो विकारी बनकर के दिल लेता है या निर्विकारी बनकर के दिल लेता है? कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा के साथ साथ जब निर्विकारी बनेगी तो कहां की वासी हो गई? द्वारिका की वासी हो गई, सागर की वासी हो गई। सागर को ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान सागर कौन है और ज्ञान चंद्रमा कौन है? कौन है? है राम वाली आत्मा ज्ञान सागर है, और वो ज्ञान चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो सागर प्रशांत महासागर में आकर के मिक्स हो जाता है। तो कहां का वासी हो गया? है द्वारिका का वासी हो गया। प्रशांत महासागर ने पूर्व और पश्चिम के देशों को अलग अलग कर दिया, दो अरिका हो गया। तो बोला मन मथुरा दिल द्वारिका, दिल बड़ा बन गया, एक एक की दिल लेने वाला बन गया। विकारी रहा या निर्विकारी बन गया? निर्विकारी बन गया। तो मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, क्या काया माने? शरीर। पहले मन, मनरेव आत्मा, फिर क्या तैयार होता है मन के बाद? बुद्धि। नहीं, बुद्धि तो पहले है,
बुद्धि जो है वो तो सुप्रीम सोल है। मन कौन है? ब्रह्मा। वो सुप्रीम सोल जब प्रजापिता में प्रवेश करता है तो बुद्धि का साकार रूप हो गया। वही ब्रह्मा जब निर्कारी बनता है तो द्वारिका हो गया, मन सतयुग त्रेता हो गया। और काया काशी नगरी, काशी शब्द कैसे बना है? काश्य, काश्य माने तेज, याद का तेज। उस याद के तेज से देवताओं का शरीर तैयार होता है, इसे कहते हैं कंचन काया। वो कंचन काया कैसे तैयार होती है? ज्ञान से या योग से? योग से तैयार होती है। तो वो काशी नगरी पहले पहले तैयार हुई। जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है तो पहले पहले दिल्ली तैयार होती है या काशी नगरी तैयार होती है? है? काशी नगरी तैयार होती है, पवित्र नगरी है। क्या पवित्र है? पवित्र नगरी है। काया भी कौन सी अच्छी होती है? पवित्र काया अच्छी होती है या द्वापर युग से जो काया पैदा होती है दुनिया में वो अच्छी होती है? पवित्र काया अच्छी। तो जो भी लक्ष्मी की काया हो, चाहे सरस्वती की काया हो और चाहे है, तीन देवियां है ना, ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती, तो ये तीनों देवियों की जो काया है उन तीनों प्रकार की कायाओं में ज्यादा पवित्र कौन है? नहीं, ये तीनों देवियां उतनी पवित्र नहीं है जितनी काशी पवित्र है। तो ये काशी नगरी जो है वो अव्वल नंबर की काया है। अव्वल नंबर की काया लक्ष्मी भी नहीं है, पार्वती भी नहीं है और सरस्वती भी नहीं है। कौन है? काशी अव्वल नंबर की काया। इसलिए शंकर को कौन सी नगरी प्रिय है? काशी नगरी प्रिय है। तो मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जन, दस द्वारों का देहरा। जो देह है इसमें दस छिद्र हैं। क्या? दस छिद्र हैं। उसमें ज्योति को पहचानो। तो दस जो इंद्रियां हैं वही उन दसों इंद्रियों का ये देहरा है। इसमें अव्वल नंबर जो देहरा है उसमें देह ज्योति को पहचानना चाहिए कि वो कौन सी ज्योति कार्य करती है। जिससे मन मथुरा दिल द्वारिका काशी काया बन जाती है अव्वल नंबर। Thank you.